सभी को नमस्ते। क्लास सिक्स की फिजिक्स में थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमने लिया है इलेक्ट्रिक स्विच। पिछले लेक्चर में भी आपने इस डायग्राम को देखा था, यहाँ पर हमने दिखाया था कि किस तरह इलेक्ट्रिक सेल की सहायता से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को जला रहे हैं। अब सिर्फ सेल और बल्ब हो जाने से ऐसा नहीं कि हम बल्ब को जला सकेंगे, इसके लिए हमने यहाँ दो वायर कनेक्ट किए सेल और बल्ब के बीच में। इस तार की सहायता से हमने इलेक्ट्रिक सेल से करंट लेकर के बल्ब तक करंट पहुंचाया और बल्ब इस तरह हमारा जल सका। हमने बताया कि फिलामेंट जो है, यहाँ पर फिलामेंट लगा है, पिछला लेक्चर आप देख लें, ये हीट होकर के बल्ब को ग्लो कराता है। अच्छा, हमने एक चीज बताई कि जब तार हमने ये जो कनेक्ट किए, जो तार का कनेक्शन किया, इस तार के कनेक्शन को या फिर आप कह सकते हैं कि करंट को एक रास्ता प्रदान करना, एक उसको पाथ देना, सर्किट कहलाता है। ठीक है, फिर हमने कुछ चीजें आपको बताई कि सर्किट अगर ब्रेक हो जाए, जैसे ये वायर यहां से ब्रेक हो, हटा हुआ हो, बीच में वायर का कनेक्शन ना हो, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, किस काम आता है, इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले आप समझें कि अगर यहां बीच में कनेक्शन ब्रेक की जो हमने बात कही, सिर्फ यही नहीं है कि तार यहां से ब्रेक हो। अब अगर आपने एक बार कनेक्शन कर दिया, आप देख रहे हैं कि दो तार लिए हमने, एक तार के टर्मिनल को सेल के एक टर्मिनल और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है, उसी तरह दूसरे तार के साथ किया है। तो इस तरह कनेक्शन करके जब हम दोनों तरफ से तार को ज्वाइंट रखेंगे तभी जला पाएंगे बल्ब को। अगर हमें सेल की सहायता से काफी देर तक बल्ब को जलाना है तो क्या हम पूरे टाइम तार को इस तरह चिपकाए रहेंगे? भाई उसको पकड़ना पड़ेगा, या हो सकता है आप टेपिंग कर सकते हैं, तार को बांध सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि हमें थोड़ी देर बल्ब की लाइट चाहिए और थोड़ी देर नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आपको काम है, तो अब बार बार आप उसको चिपकाएं हटाएं, इस तरह की चीजों से दिक्कत होगी आपको, आराम से आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम स्विच यूज कर रहे हैं। यहां पर जैसे ये गैप बना हुआ है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सर्किट ब्रेक है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा भाई, सर्किट यहां ब्रेक है। अगर इस सर्किट को हम कंप्लीट कर दें, यहां पर ये जो गैप है इस गैप को भर दें तो बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा, सर्किट को कंप्लीट करें हम या उस गैप को भरें तो हमारे पास कई तरीके हैं। आपको एक बात सोचिए कि अगर जैसे यहां बीच में वायर ब्रेक है, मान लीजिए कि तार वहां से कटा हुआ है, आपने बीच में एक रबड़, आप पेंसिल रबड़ यूज करते होंगे ना पेंसिल लिख के मिटाने के लिए, उस रबड़ को अगर इन दोनों तार के बीच में ले आए तो ये गैप तो भर जाएगा, है ना। अगर रबड़ को बीच में ले आया जाए तो वो गैप भर जाएगा जो इस पाथ को इनकम्प्लीट कर रहा है। लेकिन क्या आप खुद सोच के देखिए, सिक्स क्लास के आप स्टूडेंट हैं, अब तक इतनी जानकारी होगी कि रबड़ को अगर बीच में ले आएंगे तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। आप खुद समझ पा रहे होंगे, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा भाई? क्योंकि रबड़ जो है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देगा, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं कि वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे। इस बात को आप जानते होंगे भाई, वायर में भी जो करंट बह रहा है तो वायर जो है वो कॉपर वायर होते हैं, बेसिकली कॉपर वायर आपने देखे होंगे घर में। आप अगर वायर को कभी छीलेंगे, देखिए एक बहुत ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी जो है वो अपने में से बहने देगी। अभी हम आपको और डिटेल में वो वर्ड बताएंगे क्या प्रॉपर्टी है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई काम करें, बहुत संभल करके और बड़ों के मार्गदर्शन में ही उसको करें, ठीक है। तो अगर आप किसी तार को जिसका कहीं कोई कनेक्शन ना हुआ हो, एक साधारण से तार को अगर दांत से यूं छीलेंगे तो आपको कुछ छीलन जो है ऐसे रेशे रेशे से दिखेंगे, वो कॉपर वायर है, ठीक है। वही कॉपर की ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, इसीलिए इस वायर में से करंट बह रहा है, ठीक। डायरेक्शन हमने कल बताई थी। तो आप बीच में अगर आप रबड़ लगा देते हो तो रबड़ के पास ये प्रॉपर्टी नहीं कि वो खुद में से बहने दे, इसीलिए बल्ब रबड़ लगा देने से ग्लो नहीं कर रहा, ठीक। इसके बजाय आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, उसको खुद भी जरूर पढ़िएगा,
कि अगर आप सेफ्टी पिन ले लें, ठीक है, उसमें अलग ढंग से बताया कि आप एक थर्मोकोल लेकर के उसमें ड्रॉइंग पिन जो है दो तरफ लगा दें और फिर उसमें सेफ्टी पिन बीच में से लगा दें और ड्रॉइंग पिन में जो है इस वायर को लगा दें, तो आप देखिए कि अगर ये इस तरह ये जो है पिन ऐसे है, ये थर्मोकोल मान लीजिए, ठीक है, ये सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन ऐसे है, ठीक। और आपने क्या किया, जैसे एक वायर यहां से कनेक्ट कर दिया और एक यहां से कनेक्ट कर दिया, अब बल्ब वगैरह हम नहीं बना रहे हैं, आप समझिए, तो यहां बीच में वायर्स के बीच में तो गैप है, ठीक, साधारण सी बात है, भाई एक तरफ सेल होगी, एक तरफ बल्ब होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वायर्स के बीच में यहाँ गैप है, सर्किट में गैप आ गया। इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं, तो यहाँ तो पिन से ये वायर कनेक्ट हो गए, लेकिन ये दोनों पिन तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो अभी भी गैप बना हुआ है। आपने अगर एक सेफ्टी पिन लगा दी है, ठीक है, इस प्रकार की, तो देखो ये पिन, ड्रॉइंग पिन जो है ये और सेफ्टी पिन कनेक्टेड है, इसी ड्रॉइंग पिन से ये वायर कनेक्टेड है, ठीक, तो अब बात फिल हो गया ना, मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, इस पिन से वायर भी कनेक्टेड है, इसी पिन से सेफ्टी पिन भी कनेक्टेड है। अब इसमें शर्त यह है कि ड्रॉइंग पिन और सेफ्टी पिन दोनों की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, या इस मटेरियल की वो दोनों पिन होनी चाहिए, सेफ्टी पिन या ड्रॉइंग पिन दोनों, जो कि खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, क्योंकि आपका वायर कैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, कॉपर वायर है वो, कॉपर की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, तो इनकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब आपने सिंपली अगर इस पिन को, सेफ्टी पिन आप घर में किसी बड़े से मांगे हैं तो मिल जाएगी आपको, खोल करके उसको अगर आप बगल कर दें तो स्विच, उस समय ये आपने स्विच बनाया, एक तरह से स्विच यही है इसी पाथ को भरने के। अब इस पिन को आपने हटा दिया, ठीक, तो भाई आपने फिर सर्किट ब्रेक कर दिया, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फिर पिन लगा दी, ज्वाइंट करा दिया, सर्किट फिल हो गया, पाथ कंप्लीट है, करंट फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये एक तरीका हो गया, बाकी आप जो घर में स्विचेस देखते हैं वो भी जो है, ये चित्र अगर आप चाहे बना लें, किताब में से ही देख लें, ठीक है, आपने एक चीज समझी, घर में भी आप जो स्विच देखते हैं वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, बकिया आधार यही है कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और सुविधाजनक तरीके से आप उसको कंप्लीट इनकम्प्लीट कर सकें। जब सर्किट कंप्लीट रहेगा तो स्विच को क्या कहेंगे कि ये ऑन है, बल्ब ग्लो कर रहा, सुना होगा घर में कि फैन ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, सुना होगा। सर्किट इनकम्प्लीट आपने कर दिया उसी स्विच की सहायता से, भाई आप एक तरह से समझिए कि स्विच की सहायता से आप सर्किट को कंप्लीट और इनकम्प्लीट कर रहे हो, ठीक है, उस गैप को भर रहे हो और फिर खाली कर दे रहे हो, उसी के कारण ऐसा हो रहा है कि बल्ब जो है ग्लो कर रहा है और नहीं कर रहा है। जब आप चाह रहे हैं ग्लो कराना, सर्किट को कंप्लीट कर लिया, नहीं चाहते सर्किट को इनकम्प्लीट कर दिया, तो स्विच का काम ये हो गया। लेकिन आपने देखा, दो एग्जाम्पल हमने बताया, सबसे पहले बताया कि बीच में अगर रबड़ लगा देंगे तो देखने को तो पाथ कंप्लीट हो गया, लेकिन रबड़ भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास तो नहीं होने दे रहा, तो उसके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं, भाई जब वो खुद में से पास ही नहीं होने देगा तो वो वहां रहे या जेब में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या काम आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा। अब भाई उसकी गलती क्या है, रबड़ की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी खुद में से पास होने दे। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप, यही थर्माकोल जो यूज किया इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होने देगा, ठीक। लेकिन सेफ्टी पिन लगाई वो स्टील की आती, ड्रॉइंग पिन लगाई स्टील वगैरह की आती, हो उसकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने तो वो काम आ गई। तो आपने देखो दो चीजें देखी, सिर्फ ऐसा नहीं कि पाथ को भर दिया, पाथ को भरना ऐसे मटेरियल से है जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास तो होने दे, नहीं जब पास ही नहीं होने देगा तो उसके रहने ना रहने कोई मतलब नहीं। तो हमने दो चीजें देखी कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खुद में से पास नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके अलग अलग नाम रखे गए। जैसे जो पास होने दे रहे हैं उनको कहा गया कंडक्टर्स, ठीक है, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं,
हमने क्या बताया, जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहे हैं वो कहलाएंगे कंडक्टर। ठीक, अच्छा लिख लो भाई, क्या लिखोगे देखो, बीच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स। ठीक, ऐसा करते हैं हेडिंग नहीं बनाते, इंसुलेटर को भी हम इसी में लिख देते हैं। ठीक है, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, किसको इजाजत देते हैं, किसको अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम, उनमें से जाने के लिए, पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स, वही जो है कंडक्टर्स हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, वाइल जबकि इंसुलेटर्स, ये ध्यान दीजिए, इंसुलेटर्स वाइल इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ electricity to pass through them। ठीक है ना, ठीक, ऐसे मटेरियल जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे कंडक्टर कहलाएंगे, और ऐसे मटेरियल जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, नहीं इजाजत देते, उनकी नहीं है उनके पास प्रॉपर्टी, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये सिर्फ अभी तक सीमित नहीं है कि सिक्स क्लास में सिर्फ आपको पढ़ना है, फिर यही चीजें बार बार सेवेंथ एट्थ नाइन्थ में फिर आप यही सब पढ़ेंगे, इलेवेंथ ट्वेल्थ तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन हर बार इस बात को बता, हर बार नहीं यही बताया जाएगा कि कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने दें, आपको ये पता होना चाहिए, बड़ी जनरल सी चीज। और आप अपने आसपास ये एक्टिविटी देखिए जरूर करिएगा, एक लिस्ट बनाइए अपने पास कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे अभी जो हम बताने जा रहे हैं, इसी तरह सेल और बल्ब लेकर के आप करें, वो बड़ों के मार्गदर्शन में करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपसे भी पास होगी, ह्यूमन बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करती है, आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल ना करें, अकेले में ना करें, बड़ों के मार्गदर्शन में इसको कर सकते हैं आप, लिस्ट बना करके कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हमारे आसपास ही ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है। आधार आपको समझ में आ गया कि किस आधार पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर कहेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा कंडक्टर, नहीं पास होने देगा इंसुलेटर। ठीक, अब देखिए इसकी एक बड़ी मेरे साथ मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, कंडक्टर इंसुलेटर की बात आई तो हम अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। आपने देखा होगा जो स्विच बने होते हैं वो ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग होती है, लेकिन जो स्विच आप अगर ऐसे खुला स्विच आपको देखने को मिले तो वो जो है कंडक्टर के अंदर बना होता है, ऊपर कवरिंग प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, तो ताकि आप जब स्विच को चालू करें तो आप प्लास्टिक को टच करें, प्लास्टिक टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा भाई, प्लास्टिक थोड़ा अपने में से बहाने दे रहा कि तुमको लग जाएगा। एक एक्सपीरियंस हम और बताएं, कभी आपने देखा होगा गीला स्विच जब गीला रहता है ना, तो अक्सर ये रिस्क रहता है कि भाई गीले हाथ से टच कर लिया तो करंट लग गया। हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया था अभी एक आध साल पहले की बात है, कि हम बाथरूम में स्विच बंद कर रहे थे तो हमें वहां झटके से बंद करते रहे ताकि करंट ना लगे। हमने एक चीज एक्सपीरियंस की,
कि जो आपके नाखून होते हैं ना, उस समय नाखून थोड़े ठीक ठाक हाइट के थे हमारे, तो नाखून से जब आप टच करेंगे तो नाखून जो है, ह्यूमन नाखून जो होते हैं, ह्यूमन नेल्स, वो इंसुलेटर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अच्छा ऐसा नहीं भाई, हम तुरंत ऐसा नहीं समझ गए थे कन्फर्म हाँ कि ह्यूमन नेल्स जो हैं वो इंसुलेटर होते हैं। हमने इसको नेट पे सर्च किया कि क्या ऐसा है भाई, ह्यूमन नेल्स क्या इंसुलेटर हैं कि कंडक्टर हैं। ज़्यादा उम्मीद हमें इंसुलेटर की ही लग रही थी। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरे पीछे का आशय ये था कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा वीडियो देख करके कुछ सीख सकते हैं या यूट्यूब पर किसी और का वीडियो देख कर सीख सकते हैं, या आपके स्कूल में कोचिंग में टीचर बताएंगे उनसे सीखेंगे, बुक में जो लिखा है वही सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो आप नेट पर सर्च करिए, और किसी भी उम्र में उठ सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो, बड़े से बड़े टीचर के मन में भी कोई प्रश्न उठ सकते हैं। इंटरनेट सबसे बढ़िया माध्यम इस समय, आप कोशिश करिए। लेकिन हाँ, अंधविश्वास नहीं, आंख बंद करके इंटरनेट पे भी विश्वास मत करिए। अपने तर्कों के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर अगर आपको सही लगती है इंटरनेट की जानकारी तो उसको प्राप्त करें, ग्रहण करें। असमंजस है, किसी से डिस्कशन करें। ठीक, आज आपने इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में जाना, कंडक्टर के बारे में जाना, इंसुलेटर के बारे में जाना। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, तीन लेक्चर में, ये तीसरा लेक्चर था, शुरुआत में हमने बताया। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह है, एक्टिविटी है, उनको पढ़िए आप, बुक में फिर एक बार चैप्टर को पढ़िए। ठीक, और जो जो एक्टिविटी जैसे कंडक्टर इंसुलेटर को वर्गीकृत करने के लिए हमने कहा वैसा करिए। ठीक है।